बारवां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व ध्यान। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उनकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मतु कैटप का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्तम का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू भी नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां तो आएंगी ही नहीं। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्तम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महत्तम महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्तम का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्तम को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त और धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्तम, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महत्तम का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्तम श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्तम शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महत्तम समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्तम मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्ध्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से तथा नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण मात्र करने से हो जाती है। यह महत्तम श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्म जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर,
कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी ने नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा की। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।